थैंक यू सो मच भाई उन सभी लोगों का जिन लोगों ने पिछली वीडियोस पे दिखाया था अपना सपोर्ट लाइक एंड कमेंट के थ्रू। और आज मैं को समझ में नहीं आ रहा मैं कितने एक्शंस करूं, क्योंकि आज जो गेम हम खेलने वाले हैं वो दुनिया का सबसे बड़े स्पोर्ट्स इवेंट को रिप्रेजेंट करता है। जी हाँ, ओलंपिक्स 2024 पेरिस इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर। 26 जुलाई को चालू हो रहा है इवेंट। यस 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 भाई, ये साल 2024 बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है स्पोर्ट्स फैंस के लिए। एंड भाई, जब मेरी नजर नंबर्स पे पड़ी तो मैं तो शॉक रह गया। 206 देश इसका हिस्सा बनता है एंड 10,500 से ज्यादा एथलीट्स इस इवेंट का हिस्सा बनेंगे, विच इज फिनोमिना। एंड यस 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 यस, हमारा क्रिकेट भी बहुत जल्दी आपको देखने को मिलने वाला है 2028 में, ऑप्शनल स्पोर्ट्स में होगा। लेकिन एक बात बता दूं, ऑप्शनल स्पोर्ट्स का मतलब ये नहीं कि हर ओलंपिक में मिलेगा, उसको अपने आपको प्रूव करना पड़ेगा एज अ स्पोर्ट्स, एंड फिर वो कोर स्पोर्ट्स इवेंट में आएगा। तो जो कोर स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं वो हर बार होते हैं, एंड जो ऑप्शनल होते हैं वो गारंटी नहीं होती। फॉर एग्जांपल, लास्ट ईयर बेसबॉल था, इस साल बेसबॉल नहीं है। ठीक है, बातों को करते हैं खत्म, आ जाते हैं हमारी गेम पे। जी हाँ, पेरिस ओलंपिक्स का ऑफिशियल गेम आ चुका है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो फ्री में। अब क्या है, कैसा है, अभी ओपन करेंगे तो बताएंगे। बाकी लास्ट ईयर पीसी का जो गेम आया था वो सुपर था। एंड फाइनली यहाँ पे भाई देख सकते हो आप पेरिस 2024 द ऑफिशियल गेम, एनविजियो करके लिखा आ जाता है यहाँ पर जिन्होंने डेवलप किया। एंड अभी तक हम गेम में पहुंचे नहीं है, इंटरनेट कंपलसरी है, मैं पहले बता दे रहा हूँ। इंटरनेट नहीं है आपके पास, यू कांट प्ले दिस गेम ऑफलाइन। क्या ही जबरदस्त लोगों बनाया है मोबाइल गेम के हिसाब से, एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। उम्मीद करता हूँ, फिंगर्स क्रॉस रखता हूँ कि पीसी पे भी एक प्रॉपर गेम आएगा जिसकी सख्त जरूरत है। यहाँ पे हम लोग एक गेम वाले गेम में, एक स्पोर्ट्स वाले में मजे करते हैं, ये तो भाई कितने सारे स्पोर्ट्स लेके आएगा। एंड वी आर फाइनली इनटू द गेम। वेलकम टू पेरिस 2024 ओलंपिक गेम्स। एंड अहमदाबाद भी भाई होस्ट करने वाला है, ऐसी बातें चल रही हैं, बट पता नहीं हो पाएगा कि नहीं। बट क्या ही खूबसूरत विलेज बनाया है, और यहाँ पे हमारा इंडिया नंबर एक पे दिखा रहा है। आई थिंक इसको लोकेशन मिल गया है मेरा, आप कोई भी कंट्री चुन सकते हो। एंड सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि इसमें भरमार है। अगर आपकी कंट्री नहीं भी है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी कंट्री, मेरे को तो नहीं मालूम, आपके पास ओलंपिक फ्लैग चुनने का भी ऑप्शन है। फॉर एग्जाम्पल लास्ट टाइम आई थिंक जहाँ पर युद्ध के हालात थे उन जगहों पर ओलंपिक्स के फ्लैग के अंदर खेला था। इंडिया चुनेंगे हम लोग, इसमें कोई शक नहीं है। अपना नाम चुनना है, हम लोग फटाक से चुन लेते हैं। हम लोग अपना असली नाम ही यूज़ करूंगा भाई, और भाई मैं झूठ नहीं कहूंगा, मतलब ड्रीम है यार सबका ड्रीम, मतलब मेरे को नहीं मालूम सबका है कि नहीं, बट मेरा ड्रीम है भाई एक बार इंडिया का फ्लैग नेशनल एंथम बज रहा हूँ एंड मेरे को कुछ टाइटल मिल रहा हो। इट इज़ नाउ टू ट्राई द फर्स्ट स्पोर्ट्स 100 मीटर एथलेटिक्स में हम लोग जा रहे हैं। फाइनली हमारे एथलेटिक्स वाले जो प्लेयर्स हैं अनलॉक्ड हो चुके हैं, मेल फीमेल दोनों आप चुन सकते हो। अभी के लिए मैं मेल चुन रहा हूँ, एंड यहाँ पर कुछ कस्टमाइजेशन के ऑप्शन हैं, काफ़ी लिमिटेड हैं अभी, आई थिंक फर्स्ट वर्जन है गेम का, फ्यूचर में भले आ जाए। हेयर स्टाइल ब्लैक कलर, ठीक है, आई थिंक मैं ये वाले के साथ जा रहा हूँ। एक ठीक है, यू विल बी अवेल टू कस्टमाइज द एथलीट्स अपीयरेंस लेटर, ओके, कह रहा है बाद में भी आप चेंज कर सकते हो, जरूरी नहीं कि एक बार चुन लिया तो चुन लिया। एंड हियर इज द ट्यूटोरियल, टैप रैपिडली फॉर अ बूस्ट, ठीक है ठीक है ठीक है, तर 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 दबाना है और भी, अच्छा रेड एरिया में नहीं जाना है, रेड एरिया भाई नहीं जाओ तो ज्यादा अच्छा है। Finally, we are going to try to win the first medal for Team India. हमारे साथ उज्बेकिस्तान, हनोरूरू, जो भी है, 958 का वर्ल्ड रिकॉर्ड है और हम उसको बीट करने वाले हैं। और हाँ, गेम्स के अंदर मेल फीमेल दोनों ही होते हैं, ठीक है। We are ready. Ha 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 ha. Feel set. Red zone तो मुझे दिख नहीं रहा कहीं। ठीक है, आएगा क्या अचानक से, पता नहीं। मैं तो फुल स्पीड लगाया अभी, लेकिन एक बंदी आ गई मेरे से, नंबर 3 पे चल रहा हूँ मैं, पूरी ताकत झोंक दी है मैंने अपने फिंगर्स की, नंबर 2 पे आ चुका हूँ, क्या नंबर 1 बन पाऊंगा, नहीं बन पाया यार। और हाँ, ये तो एक हिस्सा था सिर्फ क्वार्टर फाइनल का, 13.21 यहाँ पे, बट इंडिया क्वालिफाई कर चुका है अगले राउंड के लिए। अब रेड जोन आ रहा है, और रेडी तो फर्स्ट हो गए, बट भाई शुरुआत करनी बहुत जरूरी है। अरे रेड जोन में नहीं मेरे भाई, रेड जोन में नहीं, वो पूरा जीरो कर देता है। ठीक, अरे यार, अच्छा आराम से टैप करना, अरे यार, कम ऑन संगीत, यू कैन डू इट, यस, 13 सेकंड। लेकिन भाई मेरे को 9.58 तो बहुत दूर होगा। एज अ नंबर 1 हम लोग सेमीफाइनल में क्वालिफाई किए हैं, बहुत करीब है हम लोग टाइटल के, मेडल के। और अब मुझे समझ में आ गया है वो टैप करने का क्या मतलब होता है, कि आपको है ना ये वाली व्हाइट लाइन के आगे नहीं जाना है पहले शुरू में, ठीक है। ओ यार, गलती के लिए ज्यादा गुंजाइश नहीं है भाई, इससे फाइनल है ये, कर दे कर दे कर दे कर दे कर दे,
Oh, what a close match. But in the end, the medal is in our neck. And 12.86 के साथ हमने यहाँ पे गोल्ड मेडल जीत लिया है 100 मीटर एथलेटिक्स का. एंड दिस इज द सेलिब्रेशन. भाई फ्लैग कहाँ है? एंथम? अरे यार नहीं, हाईएस्ट आवाज है. नहीं भाई ये इंडिया का नेशनल एंथम नहीं है. ये डिसअपॉइंट कर दिया यार. आर्चरी अनलॉक हुआ है. मैं झूठ नहीं कहूंगा, मुझे सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट अगर मैं किसी के लिए हूं तो स्विमिंग के लिए हूं. बट आर्चरी अनलॉक हुआ है, हम लोग ट्राई करेंगे इसको. इंडिया एक और कोशिश करेगा यहां पे जीतने की 50 मीटर आर्चरी में. लेट्स गो. ओह आर्चरी का अलग ही लुक दिया इन्होंने. आप अपने, हाँ ठीक है, आर्चरी में मैं फीमेल चुन रहा हूँ यहाँ पे. जरा फीमेल कैरेक्टर्स देखूँ कैसे हैं. कुछ ज़्यादा तो है नहीं, ब्लैक हेयर हम लोग रख देंगे. लुक दिया है वो आर्चरी वाला पूरा, एकदम जो अवतार होता है ना वो दिया है यहाँ पर. काफ़ी सही हेयर स्टाइल्स हैं फीमेल एथलीट्स के हिसाब से. हम इसके साथ जा रहे हैं. एंड यहाँ पे कंप्लीट करने पे आपकी कुछ 10 एनर्जी खर्च हो रही है, वो देखना पड़ेगा क्या है. हाँ कम ऑन इंडिया, चक दे फट्टे. ठीक है, क्वार्टर फाइनल, विन योर नेक्स्ट 3 मैचेस फॉर चांस एट द गोल्ड. कंट्रोल अगर मेरे से पूछते हो तो भाई थोड़ा सा स्ट्रगलिंग वाला है, क्योंकि फर्स्ट टाइम खेल रहे हैं हम लोग. एंड वी विल ट्राई स्टार्ट टू एमिंग. ठीक है, हमारे पास टाइम. हवा कहाँ है? हवा कहाँ लिखी है? हवा कहाँ लिखी है भाई? मुझे हवा नहीं दिख रही. इसमें कहा है कि हवा का भी असर होगा. ठीक है, मैं रिलीज कर रहा हूँ. जैसे मैं रिलीज करूंगा 10 on 10 भाई, एक और 10 on 10 भाई. ये बहुत आसान लग रहा है वो, क्योंकि लेवल अप होने के बाद सेमीफाइनल एंड फाइनल में हवाओं का असर दिखेगा. एंड वी विल हिट अनदर 10 on 10 एंड मोर 10. अगर मैं एक दो गलत भी मार देता हूँ तो भी मैं लीड में हूँ. नो वाइस लेवल भाई, नो वाइस लेवल जैसा ही था. हमने आसानी से हरा दिया है SMR को. एंड यस वी आर इनटू द सेमीफाइनल्स. ये क्वार्टर फाइनल था. नेदरलैंड से एक बड़ा नाम था बट आउट हो चुका है. डोमिनिका है यहाँ पे. वाइन डायरेक्शन आ चुका है. अब मुझे नहीं आइडिया है कि वाइन डायरेक्शन कितना है, पर मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ. एंड यस इट विल बी इजी. समझ गया, 0.74 है, नीचे लिखा आ रहा है. अरे यार मिस हो गया ये वाला. आपको है ना एकदम, हाँ एकदम आपको वो सर्कल के ऊपर वाले डॉट पे रखना है. जीत गया ये राउंड, एक और जीतना है फाइनल के लिए. हवाओं का मोड सेम ही है, 0.74. तो हम लोग तो भाई सारे बुलसाई मारते हुए. एंड 30 पॉइंट के साथ मोस्टली हमने, यस भाई 30 में से 30 पॉइंट लेके हमने ये राउंड भी जीत लिया है. एंड वी आर इनटू द फाइनल्स ऑफ आर्चरी. एंड हमारा अपोजिशन कौन होगा वो देख लेते हैं एक बार. BIH ठीक है. एंड फाइनल का सिनारियो थोड़ा सा अलग है. हवाएं थोड़ी सी तेज है, नीचे की तरफ कर रही है. ओ हाँ मेरे को कर्सर नहीं रखने दे रही वो, और टफ हो गया था बट कर लिया हमने 10 पॉइंट. मैं भाई भरोसा है ये राउंड भी जीतूंगा, लेकिन वो 8 तक मार रहा है. अरे अरे हवाएं, ओ देखो सेट नहीं करने दे रहा. ओ अबे भाई ये क्या था. अरे द चैलेंज इज ऑन पहली बार. ओ 9 सेकंड ही है. ओके एंड हवाएं चेंज भी हो रही हैं. नो वाइस लेवल भाई काफी इजी है, बट आगे वाले लेवल में वाट लगी हमारी, ये पक्का है. बट मजा आ गया भाई, ये लास्ट लेवल को खेल गया. असली चैलेंज अब लगा थोड़ा सा, ये तो मैं इजी में ले रहा था. अरे वो कर्सर ही नहीं फिट होने दे रहा. वो हवाएं दो तरीके से हैं, एक ऐसे भी जा रही है और एक तीर पे भी निकलने के बाद भी दिखाएगी असर. पर हाँ हम लोग अभी 10 पॉइंट तो ले लिए हैं. यहाँ पे मुश्किल है हमको हरा पाना. वो देखो हवाएं ना राइट साइड जा रही है. अरे 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 ऊपर से समय की चाबी लगा देते हैं आपके ऊपर, तो आपके लिए और स्ट्रगलिंग होने लगता है ये गेम प्ले. ठीक है, आए थोड़ा मिस हो गया बट मोर देन इनफ है. 2 पॉइंट से जीते हैं, एकदम रियलिस्टिक नोवाइस. मैं तो ये सोच रहा हूँ एक्सपर्ट में क्या होगा. And yes, India is won another medal in the archery. And bronze गया है Dominic को. And BIH याद नहीं आ रहा मेरे को. Celebration same ही है. राष्ट्रगान नहीं है यार. कुछ इस तरह का इसका लुक है. एंड हम लोग जाएंगे अब फेंसिंग करने के लिए. लेट्स गो. वाह क्या ही लुक है, बढ़िया सही है भाई. ये मेल बने कि फीमेल बने, लड़कियां थोड़ी सी क्विक रहती हैं तो आई थिंक मैं फीमेल बन रहा हूँ. पर यार यही है कि अपोजिशन भी थोड़ा सा स्लिम व्लिम होगा, तो एक ब्लैक बन के भी देखते हैं, कोई दिक्कत है नहीं. एंड हेयर स्टाइल में इस बार थोड़ा सा अलग ही लुक अपनाते हैं हम लोग. एंड वी आर इन टू द अरेना, द क्वार्टर फाइनल. विन योर नेक्स्ट 3 मैचेस फॉर अ चांस एट द गोल्ड. बाकी टीमें आपके सामने आ चुकी थी, मैं ज़्यादा नज़र नहीं लगा पाया. एंड बहुत तेज़ी से हटा दिया. बट अभी हमारे सामने कोई बार करके टीम आ रही है. इसका कंट्रोल भी बहुत यूनिक है. आपको यहाँ पे ये टैप करना है, वो बताएगा कि कितना सही है. और कई लोग बोलेंगे भाई ये तो बहुत इजी है, वेट करो. यस वी गॉट द पॉइंट. यस एंड गार्ड है प्रैट हाउस एलेज. ठीक है, ये इनकी इनका वर्ड है रेड सेट. रेडी सेट वो होता है ना, वैसे आई थिंक तलवारबाजी में ये वर्ड्स का यूज़ होता है, ये टर्म्स का यूज़ होता है.
2-0 दुआ दो भाई, बस ठीक है, यस इजी है, मजा आएगा फाइनल में। अरे यार परफेक्ट, लेकिन परफेक्ट के साथ कम बैक करते हुए हम लोग, एंड आई थिंक वी विल विन दिस राउंड टू एंड वी आर इन टू द फाइनल। इंडिया इज गोइंग फॉर द थर्ड गोल्ड मेडल, मिलेगा कि नहीं वो समय बताएगा। और सामने जो टीम आ रही है वो CZO आ रही है नहीं पता यार, जो ये मैच जीतेगा वो जीतेगा गोल्ड मेडल, एंड ऑब्वियस सी बात है दिस इज द, अरे यार अरे तेरी, तेरे को संगीत अभी फ्लॉप होना था, बच गए, बॉट लग गई थी फाइनल में। अरे वाह वाह बेटे, अरे तेरी एक मिस हो गया, पर ठीक है हमने फाइनल में भी मेडल जीत लिया, इंडिया ने अपना तीसरा मेडल हमारे गेम प्ले में जीत लिया है। मैं फिर से कह रहा हूँ मैं एक्साइटेड हूँ स्विमिंग के लिए, बहुत बेसब्री से, भाला फेंकने के लिए और भी सारे बॉक्सिंग भी देखना है अगर होगा तो, बट अभी के लिए दिस इज द सेलिब्रेशन ऑफ मेडल सेरेमनी इन फेंसिंग। कह रहा है कि नहीं मैं तो आपको दिखाऊंगा, ये मुझे अब ट्रेनिंग सिखा रहा है, और जो 10,000 कॉइन है एक्चुअली में वो ट्रेनिंग करने के लिए, क्योंकि आप सेम लेवल पे नोवाइस और एक्सपर्ट मोड और चैंपियन मोड नहीं खेल सकते, एंड 5,000 कितने ज़्यादा महंगा है यार, एंड भाई ये तो गलत है ना, ये तो गलत है साफ साफ यार, ये तो साफ साफ दिख रहा है। एंड ये जो फ्लेम मिल रही है, फ्लेम से आप नए कपड़े खरीद सकते हो। फाइनल में पहुंचते हुए इंडिया एक बार फिर एथलेटिक्स के 100 मीटर में यहां पे, एंड स्टार्ट का कुछ मतलब नहीं है भाई, ये गजब रखा है इन्होंने, ये जो रेड वाला है ना, कम होता है बढ़ता है, कम होता है बढ़ता है, वो देखो धीरे धीरे वापस जा रहा है, ये क्या हो रहा है, ओए संगीत, संगीत रिएक्शन देने में क्या हुआ, नंबर एक ही तो 0.08 सेकंड से ब्रॉन्ज आ गया यार। हाँ भाई लेकिन रियल लाइफ में अगर ऐसा होता है तो बहुत बहुत बड़ी बात है, डोंट डिसअपॉइंट। एंड यहाँ पे कह रहे हैं कि अब आपको अपनी सिटी मैनेज करनी है, अच्छा दिस इज नॉट अबाउट ओनली द स्पोर्ट्स गेम, बट आपको मैनेजमेंट गेम का भी हिस्सा दिया है, अब हर जो भी चीज़ अनलॉक हुई उसके आजू बाजू के एरियाज आपको अपग्रेड करने होंगे, चीज़ें हैं कुछ। एंड यहाँ पर एक पर आवर, अच्छा यार ये तो क्या कहते हैं हमारी जो क्लिक वाली गेम होती है ना वैसी, फार्म विले और उस टाइप की गेम बना दी इन्होंने। अभी फ्री में हमने यहाँ पर कुछ खाने पीने का स्नैक्स का शॉप खोल दिया, कॉफ़ी का, और ये कह रहे हैं कि और जगह पे भी जाके देखो। आर्टिस्टिक जिमनास्टिक का टाइम हो चुका है हमारा, वाह मेल फीमेल, फीमेल के साथ में फिर से जा रहा हूँ क्योंकि मेल कुछ ज़्यादा ही अलग लग रहा है इसमें, चड्ढा पहन के और वो लुक थोड़ा सा अजीब लग रहा है मेरे को। एंड ठीक है यहाँ पर रेड नहीं मेरे को, ठीक है ये वाला हेयर हमने ट्राई किया था, ये पट्टी वाला कर लेते हैं एंड ब्लॉन्ड रखते हैं लुक, फर्क नहीं पड़ता इससे, बट ठीक है। एंड रेड कलर का आपका डिफॉल्ट कपड़ा है, एंड मैं फर्स्ट टाइम एवर जिमनास्टिक देखने जा रहा हूँ, और देखना होगा, और भाई बहुत अलग तरीके का कंट्रोल यहाँ पर भी है, एंड बहुत स्लो मोशन है, साल्टो एंड ट्रिपल ट्विस्ट करने वाली है, इसका कंट्रोल बहुत ज़्यादा यूनिक है, अभी शायद पहला लेवल है तो हो सकता है ईजी हो। ठीक है परफॉर्मेंस आया, मैंने कहा था ना वाह, अब भाई आप मैं इंजॉय नहीं कर पाऊंगा, मैं तो अभी मेरा ध्यान तो इसमें है, तो ये क्या कर रही है मेरा बिल्कुल भी उस पर ध्यान नहीं, मेरा ध्यान सिर्फ ये है कि मैं परफेक्ट पे क्लिक करूं, एंड आई थिंक मैंने कर लिया है ये 7.425, 10 में से पॉइंट दिए हैं, अब राउंड ऑफ होगा एंड देखते हैं। अरे फिर से आई, अच्छा ऐसा होता है भाई, मैंने बोला तो मैंने नहीं जानता भाई, हमारी दीपा कर्माकर थी तब थोड़ा सा फेमस हुआ था वो, बट सी इज अगेन आउट ऑफ द न्यूज़ क्योंकि हमारे मीडिया को तो पता नहीं क्या चाहिए। परफेक्ट 14.92 भाई, लगभग उतना ही स्कोर निकाला है, एंड वी आर नंबर 1 इन द क्वार्टर फाइनल। डबल बैक फ्लिक एंड ट्रिपल ट्विस्ट, और एक तो भाई हर राउंड एनिमेशन अलग होगा यहाँ पे, ओह क्या ही तगड़ी तेज शुरुआत की है ना, कंट्रोल में भी नई चीजें आएंगी, वेट कर लो थोड़ी देर, अभी तो ट्रिपल भी मारेगी, हाँ ये कर ही रही है, ट्रिपल ही आई है, मैंने पहले कहा कि भाई मैं अच्छे से ध्यान नहीं दे पाऊंगा, ओह कितना ऊपर उड़ी है, एंड फाइनली डन इट भाई, 7.7 का टारगेट है, डबल बैकवर्ड साल्टो, अरे यार ये क्या बला है, डबल बैकवर्ड साल्टो, कितने परफेक्ट मारे मैंने,
मेरी भी गर्दन अब परफेक्ट के साथ साथ हो रही है ऐसे कि हाँ हो गया। हाँ, ईट वाला टारगेट नहीं आया। सेमीफाइनल पहुंच गए, फाइनल में कुछ अलग टास्क है। डबल साल्टो एंड हाफ ट्विस्ट, डबल साल्टो सेम है बट हाफ ट्विस्ट आ गया यहाँ पे। रेडी 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 रेडी, एकदम रेडी है भाई हम लोग। और आई थिंक वो लंबा वाला आने वाला है कंट्रोल, फाइनल वाला। फाइनल में डेफिनेटली वो नया कंट्रोल देखने को मिल सकता है। हाँ नहीं, एट नहीं हो रहा लेकिन यार, बट ठीक है। फ्रंट लेआउट एंड फ्रंट पाइक, बाप रे, बट डेवलपर से मेहनत तो की है यार कुछ। मतलब ये सब स्पोर्ट्स किसी ओलंपिक गेम्स में आपको देखने को नहीं मिलेंगे जल्दी, एंड फ्री गेम के हिसाब से है। बट यही है कि आने वाले वक्त पे आपको अनलॉक कराने में बहुत दिक्कत होगी। आप अधिक से अधिक नोवाइस लेवल खेल पाओगे या फिर प्रो लेवल, उसके ऊपर जाने में आपको बहुत समय लगेगा या तो पैसे खर्च करने पड़ेंगे। 5 या 6 हो गए, 0.45 में डन कर दिया। एंड वी विन द, आई एम श्योर कि जीत गई इंडिया, और बहुत क्लोज 0.2 XX पॉइंट से जीती है मेडल। बट यस, जिमनास्टिक में भी इंडिया को मेडल मिलता है, एंड फिंगर्स क्रॉस कि जीते इंडिया रियल में भी, सारे मेडल जीत जाए मैं तो चाहता हूँ। एंड भाई आपको मैं 1000 लाइक का वीडियो चैलेंज दे रहा हूँ। 1000 लाइक इक्वल टू 1000 मेडल्स, तो आपके हाथ में एक मेडल जिताना है, अब कर दो लाइक। सर्विस आ गया एंड गोल्फ आ गया है। दिस इज हाउ द विलेज लुक्स भाई, यहाँ से विलेज का पैटर्न पूरा चालू होता है, ये देख लो। और हाँ, जो जो आपका अनलॉक है उस पर आपको क्लिक करते रहना है ताकि आपको रिवॉर्ड मिल सके। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें लॉक हैं अगर आप क्लिक करते हो, कुछ चीज़ों पे तो सब पे क्लिक नहीं होता है यहाँ पे। जैसे हाँ, ये है ब्रेकिंग, तो इस पे क्लिक करोगे तो नहीं होगा। बास्केटबॉल यहाँ पे है, रोविंग यहाँ पर आ गया क्योंकि नदी वो चाहिए होती, नदी तो भाई बिल्कुल सही है। शूटिंग है, स्केटबोर्ड है, एंड स्विमिंग पूल यहाँ पे है, लेकिन अभी आप इस पे नज़र नहीं कर सकते, यानी रोटेट नहीं होती स्क्रीन। ऊपर से ये इंडोर है तो ऊपर से खुला हुआ नहीं रखा है इन लोगों ने, पता नहीं क्यों। एंड साइकिलिंग ट्रैक यहाँ पे देखने को मिल रहा है, आर्टिस्टिक हो चुका है यहाँ पे। अभी हम जा रहे हैं गोल्फ खेलने। गोल्फ का लुक कुछ ऐसा है, यहाँ पे मेल चुनेंगे भाई हम लोग, बहुत दिन से हमने मेल कैरेक्टर के साथ खेला नहीं है। इसकी नई हेयर स्टाइल चुनते हैं कुछ ये वाली, एंड ब्लैक हेयर ही रखेंगे। तो फाइनली पहुंच चुके हम लोग हमारे गोल के एरेना में। और हाँ, जैसा गोल गेम होती है वैसी होगी। तो भाई एक्चुअली में गेम के अंदर बहुत सारे गेम्स हैं, तो बड़ी बात है। ठीक है, अभी मेरे पास par 3 stroke 1 तीन बार में मुझे डालना है। पहला स्ट्रोक मेरा आया है, हवा हवा मुझे कहीं दिख नहीं रही है, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं क्योंकि फर्स्ट टाइम हिट करने वाला हूँ मैं। अरे वाह, ठीक है, 4 पॉइंट में हाफ गया है। भाई इस बार पहुँचाना पड़ेगा थोड़ा सा, और 4 से थोड़ा सा ज़्यादा कर लें, और तेज और तेज और तेज और तेज, ठीक है, करवा देना। अच्छा, इतने ये मैक्सिमम है। अरे तो क्या ये जो मजाक चल रहा है? अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन है कुछ नहीं यार, 4 इज द मैक्स मिनिमम मैक्सिमम यार, ये तो फिर कैसे होगा फिर? अरे चला गया बाहर, ये लास्ट स्ट्रोक है, मुझे इस पे डालना ही पड़ेगा इसको। ठीक है, 1 नहीं 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 थोड़ा छोटा कर दे। 3 स्ट्रोक, मुझे डाउट है कि मैं रैंक 1 पे होऊंगा, क्वालिफाई करा देना, रख रहा हूँ मैं। हवा हवा कहीं कुछ नहीं है। ओ चलो जो, फर्स्ट टाइम में चला गया भाई हमारा यहाँ पे। उसे दिख रहा होता लोकेशन तो मैं सब कहता कि हाँ भाई इतना है, ये भी हो जाना चाहिए, लेकिन चला जाओ। थोड़ा सा धक्का गलत तरीके से गया है, एक्चुअली नहीं जाना चाहिए था ये, बट यस वी अगेन डन इट। पीछे रिप्ले में अभी मेरा ही फोटो आ रहा है, एंड ठीक है, -4 पॉइंट के साथ हम लोग पहुँचे। मैं हल्का सा क्रॉस मारा है, वही हवा बाद में आई, बट फिर भी हम सफलता हासिल करते हुए। एंड यस, एज अ आप गोल्फ की गेम देखोगे तो एकदम भाई कोई लॉजिक वॉजिक है नहीं है, ये भी कह दूँ। आप ये मत समझिएगा कि रियल गोल्फ भी इतना आसान होता होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा नज़दीक का। अरे चला गया अंदर कैसे? मुझे तो लगा मिस कर गया मैं। फाइनल में पहुँच गए। इस बार मैं 11 पॉइंट करके देखता हूँ, शायद 11 पॉइंट में हो जाए। पर दिक्कत ये कि राइट साइड खिसक रहा है वो, ये गलत है भाई, ये गलत है, नहीं होना चाहिए था। फिजिक्स की क्या कर दिया पता नहीं। एक बार में करके दिखाओ तो मानेंगे हम लोग। हाफ पे रुक गया, पहुंचा दे, यस क्लोज पहुंचा दो, इस बार मोर देन इनफ होगा मेरे लिए। ठीक है, आई थिंक 3 में हो जाना चाहिए, ऐसा तो लग रहा है 2 में ही हो जाएगा, बट हवा देख के। ठीक है, 2 पॉइंट समथिंग में मैंने डालने की कोशिश की है, एंड वी डन इट। अब रिजल्ट क्या आ रहा है, क्योंकि मैंने लगभग बराबरी बराबरी वाला किया है स्कोर,
सेलिब्रेट तो कर रहा हूँ, मतलब मेडल तो आया है, बट कौन सा मेडल आया है? तो भैया गोल्ड मारते हुए हम लोग गोल्फ में। सेलिब्रेशन सेम है भाई, खाली प्लेयर का मॉडल बदल जाता है, बाकी बैकग्राउंड वैकग्राउंड सब कुछ सेम है। अब क्या अनलॉक हो रहा है वो देख लो। थ्री लेवल अप हुआ है मेरा तो नजर है, स्केटबोर्डिंग अनलॉक हो गया, बढ़िया। हाँ हाँ, स्केटबोर्डिंग देखो, मेल फीमेल एक बार दिखा दो। हाँ ठीक है, मेल ही, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, ऑलमोस्ट सेम ही बनाया दोनों को। ठीक है, थोड़ा सा वाइट एंड थोड़ा सा इसको भी अलग कलर देते हैं, कुछ रेड कलर देते हैं एंड थोड़े लंबे बाल। अब भाई स्केटबोर्डर है ये तो थोड़ा तो अपना स्टाइल दिखाएगा ही। वी आर इन टू द अरेना ऑफ स्केटबोर्ड। इसका कंट्रोल भी बहुत अपने आप में यूनिक है, मतलब इस गेम के हिसाब से सेम ही है थोड़ा बहुत, अभी आप देखोगे तो समझ में आएगा। यहाँ पे आपको कुछ स्टंट्स करने हैं, देखो ये क्या, इसका आपको जितनी जल्दी आप करोगे उतना परफेक्ट पॉइंट मिलेगा। ये देखो वो एक ही बार में कितने सारे कर रहा है। हाँ कर लिया। ए नहीं 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 नहीं, अभी ऑन है। ओके, कहीं भी आ सकता है स्क्रीन के, आपको वो पाथ कंप्लीट करना है जो स्क्रीन पे मेंशन किया गया है। जितना तेज रिएक्ट करोगे उतना बढ़िया बनेगा। एंड ऊपर को 64 लिखा आ रहा है, पता नहीं। अच्छा इसमें पॉइंट है मेरे 73। ठीक है 82, 9 पॉइंट मिल रहा है, 10 कब मिलेंगे? 91, अरे 10 दे दे, 100 9 पॉइंट ही दे रहा है, मुझे तो लग रहा है जानबूझ के 9 दे रहा है, कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है 100 पॉइंट मिल गए, 100 में से 100 ही मिले शायद। हाँ क्वालिफाई भी कर गए हम लोग। अरे यार पूरा होना 87। अब हाँ हो गया, 90 के ऊपर जा रहा है। अरे नहीं 87 ही आया, किस्मत देखो 80s में ही आया और हम नंबर एक पे हैं, तो 22 बार मेडल पक्का समझो। तो फाइनल इज हियर। एंड एक बात बता दूं मैं आपको, जिस तरह से लेवल अप हम लोग हो रहे हैं अभी के लिए 7 लेवल तक 6 लेवल तक लग रहा है कि स्विमिंग जल्दी अनलॉक हो जाएगा। ठीक है, मस्त फोटो आ रहा है भाई, ये देखो तो सही ना, आप लोग भी ट्राई कर सकते हो, फ्री है तो। वाह ओ कितना बड़ा पाथ, मेरे को मजा आएगी पूरी स्क्रीन पे पाथ आए तब, हो सकता है एक्सपर्ट मोड में आ सकता है। अरे यार बढ़िया, अरे रे 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 रे, अरे गलत मिस हो गया मैं, गिरेगा तो नहीं? नहीं नहीं गिरा नहीं है, एटलीस्ट ये अच्छी बात है, पॉइंट उसको कुछ नहीं मिला। एंड फाइनल में आ गए भाई हम, चौक हो रहे हैं तो पिंक से खींचना है। हाँ ठीक है पिंक से खींचना है, जो ग्रे कलर का है या ब्लैक कलर की स्क्रीन है उसको। 83-87 से ज्यादा होगा। ओ कितना ही सुपर था ये, एंड आई थिंक डन इट एंड वी वन द मेडल। गोल्ड ही है भाई, 92 पॉइंट आए तो मेडल पक्का है। 12 पॉइंट बहुत होते हैं, शायद दो बार आपको प्रॉपर करना पड़ता तब जाके आप जीत पाते। हियर कम्स द सेलिब्रेशन ऑफ द गोल्ड मेडल। वो तो सेम ही है, दूसरी कंट्री में बोट एंड स्कन है, काफी अलग अलग नाम आ रहे हैं, काफी लो जिनको ज्यादा लोग नहीं जानते वो टीमें जीत रही है। मैं लेवल अप तो हो रहे हैं भाई हम लोग, एंड अब हमारा एथलेटिक्स लेवल 2 है। साइकिलिंग ट्रैक अनलॉक हो गया, वो ऑब्वियस सी बात है अभी मैं नहीं दिखाऊंगा आपको, लेवल 5 तक का मैंने आपको दिखा दिया है। अगले एपिसोड में मैं खुद एक्साइटेड हूँ बहुत ज्यादा स्विमिंग वाले एपिसोड के लिए। एंड अभी भी ये बंदा मेरे साथ है, ये अभी भी मेरे को बोल रहा है कि भाई अभी आप कुछ सीखो, अभी भी ये गेम बहुत कुछ सिखा रही है। अपग्रेड का ऑप्शन आ चुका है, आप चाहो तो पूरे पूरे स्टेडियम को, पूरे पूरे अरेना को अपग्रेड कर सकते हो। तो दिस इज इट, कैसा लगा गेम? 1000 लाइक है भाई, 1000 मेडल्स मार दो इस वीडियो को, तो अगला एपिसोड आएगा बहुत जल्दी। टेक केयर, बाय बाय एंड गुड डे, फ्री में एंजॉय करो। अगर आपको पसंद आई है कमेंट कर देना, कितने मेडल वेडल जीते, कितना लेवल अनलॉक किया आपने पहले खेल में। मैंने पहले खेल में 6 लेवल अनलॉक किया।